बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखते पाए हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, वज़ारत खजाना ने कौमी असम्बली तहरीरी जवाब बताया है कि पाकिस्तान नू कोरोना नाल निमटने वास्ते मजमूई तौर पर 3,55,21,10,000 डॉलर की गैर मुल्की इमदाद मिली। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद होया, जिस वज़ारत खजाना ने वाजिब उल अदा मुल्की कर्जियां की तफसीलात पेश करते हुए मौजूदा हुकूमत की तरफ से मुल्की कर्जा जात 14,000 अरब रुपए इजाफे का इकरार किया है। वज़ारत खजाना की तरफ से जमा कराए गए तहरीरी जवाब किया गया है कि मजमूई सरकारी कर्जा साल 2019 जी डी पी के 81.1% तक आया। इस साल इजाफे के बाद मजमूई कर्जा जी डी पी के 87.2% तक पहुँच गया है। पाकिस्तान पहली बार कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल आइंदा हफ्ते इंडस अस्पताल कराची शुरू हो जैसी, जिस वसे रजाकार मुंतखिब कर लिए गए। वैक्सीन तजुर्बाती तौर से शुरू करने वसे हकूमत पाकिस्तान ते चीन के दरमियान मुआहदा भी तय पा गया वे। इंडस अस्पताल इंतजामिया के तर्जुमान ने कोविड-19 की वैक्सीन तजुर्बाती तौर पर अस्पताल इस्तेमाल करने की तस्दीक करते हुए किया वे कि पहली बार कोविड-19 की वैक्सीन के तजुर्बाती ट्रायल इस महीने शुरू कर दिए जा सन। इब्तदाई तौर पर 150 लोगों को मुंतखब किया गया है। फेसबुक अपनी ऐप बिल्कुल नवे क्लाइमेट साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर का आगाज करने वाला है, जिसकी बदौलत फेसबुक सार्फीन आबो हवा तब्दीली की बर वक्त ते सही मालूमात हासिल कर सक सुन। फेसबुक के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान प्लेटफॉर्म से लोगों की वही तादाद जुड़ी है तो उन्होंने सही मालूमात हासिल हुई हैं। ताहम हूँ आबो हवा तब्दीली की सूरत हाल एक नवा बोहरान साढ़े सामने वे। इस वसे आबो हवा ते मौसमियाती तब्दीलियां दी साइंस ते एक मालूमात मरकज खोला जाता पिया वे। इस दे इलावा फेसबुक मौसमियाती तब्दीलियां दी तबाहकारियां से निमटने वसे भी रहनुमाई फराम कर सी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने किया वे कि क्रिकेट दलेरां दा खेड है, कमज़ोर दिल वालियां दा निंगा। उन्होंने किया वे कि बोर्ड खिलाड़ियों के आसे पासे इजे लोग होने चाहिए जेहड़े उन्होंने बता सकन कि अटैक ही डिफेंस है। साबिक कप्तान का कहना है कि उन्होंने बोर्ड कोई ओहदा नहीं मिलता पिया। शहरोज सबजवाली की तरीम ते अदाकारा सदफ कंवल ने किया वे कि नाकदीन नू दूसरिया की जिंदगी मुदाखलत करने के बजाय अपनी हद च रहना चाहिए है। उन्होंने किया वे कि वह नाकदीन की बिल्कुल परवाह नहीं कर दियाँ कि कौन के प्या कहता वे। अलबत्त मैं इन्होंने ये नसीहत जरूर करना चाहसा कि वह नफरत फैलाने के बजाय मुहब्बत तकसीम करन ते मनफी चीज़ों के बजाय मुस्बित चीज़ों अपनाने की कोशिश करन। इस खबर खत्म हुई, नवी खबर हाजिर होसियाँ। अल्लाह हाफिज़।